Yes students, welcome here again on my channel जानकारी हित, myself हित अभिलाषी शर्मा आपके हित के लिए एक बार फिर इस चैनल पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के बहुत से विषय और मोटिवेशनल वीडियोस मेरे इस चैनल पर हैं। अकाउंटेंसी के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट सब्सिडरी बुक्स। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स क्या है भाई, ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या है, इसके अंतर्गत हम कुछ और कंटेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेट्स मूव हेड विद मी फॉर टुडेज कंटेंट। यस स्टूडेंट, आप जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं भाई, प्लस वन में आते हैं तो सबसे पहले जर्नलाइज जो एंट्रीज होती हैं उसको सीखते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, और जो शुरू में मुश्किल लगता है कि ऐसा तो होगा नहीं, हमें भी कभी आएगा, वो आना शुरू हो जाता है। आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की होती है। तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि जब प्रैक्टिकल रूप में जैसे हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जर्नल और लेजर पोस्टिंग में करते हैं वहाँ पर 8, 10, 15 एंट्रीज आती हैं, पर प्रैक्टिकल रूप में इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। एक एक बिजनेस में एक एक दिन की 500, 1000 इवन इससे भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेन देन होते हैं। तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना, उसकी एंट्री करनी, फिर हर टाइप के अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करनी, उनकी बैलेंसिंग करनी, इट्स रियली वेरी टफ। जर्नल आपको पता है कि ओरिजिनल एंट्री बुक है, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। प्रिंसिपल बुक ऐसी है जिसमें हम जो ओरिजिनल में कोई एंट्री होती है वो हम डाल देते हैं। लेकिन जब बिजनेस बड़ा है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है गिनती में, तो जर्नल पे एक प्रेशर बढ़ जाता है। जो जर्नल एंट्रीज करने वाला पर्सन है, जो भी वहां अकाउंटेंट है, वो कितनी जर्नल एंट्रीज करेगा। अगर अचानक कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी जाए, जर्नल में से किसी अकाउंट की क्या पोजीशन है, कैश की क्या पोजीशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, बैंक की क्या पोजीशन है, तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, जर्नल में जो मुश्किलें आती हैं बड़े बिजनेस में, जहां पर ज्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर मेनी देयर एंड मैक्सिमम देयर, तो उन सभी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए जैसे हम किसी की सहायता लेते हैं, अकाउंटेंसी में भी ऐसे ही कुछ सहायक बुक्स हैं जिसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। क्योंकि जर्नल एंट्रीज करते समय बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है, उसमें एनालिसाइज करना आसान नहीं होता, बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सी मुश्किलें हैं जब ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाए। तो सब्सिडरी बुक्स बिजनेस में एक ओरिजिनल एंट्रीज प्रिंसिपल बुक्स हैं, जिसमें जब कोई ट्रांजेक्शन हो उसी टाइम उसमें एंटर कर दिया जाता है जैसे जर्नल में करते थे, बट क्लासिफाइड रूप में। जर्नल में तो हम सारा कुछ शुरू में एक साथ ही लिखते रहते हैं, बट सब्सिडरी बुक्स में क्लासिफाइड, उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। वर्गीकृत का मतलब क्या है, बिजनेस जो एक्सपर्ट्स थे, जो अकाउंटेंसी का जिन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने देखा कि जो इंफॉर्मेशन अगर जर्नल में मिक्स होकर इकट्ठी पड़ी रही तो कभी एक टाइप के अकाउंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, उसका बैलेंस निकालना हो, देन इट्स रियली टफ। तो सब्सिडरी बुक्स इसलिए बनाई गई। कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हैं, इसके लिए यह देखा गया कि कौन सी ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होती है बिजनेस में। आप सबको पता है सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस में होती है वो है कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, लेन देन। इसके अलावा परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सारी ट्रांजेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होती हैं। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल क्या है, इससे रिलेटेड जब हम सब्सिडरी बुक्स में करेंगे मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्लस वन से रिलेटेड है, उसमें है ये सारा कॉन्टेंट। बट आज सिर्फ नाम देखो आप, इतनी सारी सब्सिडरी बुक्स हैं। तो जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो टोटल 8 हैं, 7 का मैंने नाम लिया। 8वीं जो सब्सिडरी बुक है वो है जर्नल प्रॉपर। इन सभी में शुरू से ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डालकर उसको अलग अलग ढंग से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उससे हर टाइप की इंफॉर्मेशन की, जो हर टाइप की बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, जैसे जर्नल से होती थी लेजर पोस्टिंग, ठीक उस ढंग से। लेकिन
कुछ जो मेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो पहले ही क्लासिफाइड हो जाती है, जिससे बिजनेस को किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। सब्सक्रिप्शन बुक्स बनाने का फायदा क्या होता है कि टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है अकाउंट्स को मेंटेन करने की, कभी भी हम उसका एनालिसाइज कर सकते हैं। जो इनकन्वीनियंस थी उसमें क्या जर्नल के थ्रू प्रोसीजर में, वो इसमें कन्वीनियंट बन जाता है, सब कुछ आसान बन जाता है। ये बहुत से फायदे हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है और बहुत से फायदे हैं जो सब्सिडी बुक्स होती है। एक बात और, सब्सिडी बुक्स को एक तरह का सब जर्नल भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम तो वही है भाई। तो अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सब्सिडी बुक्स की टाइप्स की। सब्सिडी बुक्स मेनली कौन कौन सी है मैंने बताया, उनको एक एक के बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले जो कैश मैंने बताई सब्सिडी बुक, कैश बुक, कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती हैं। ये चार टाइप की है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फिर है परचेज बुक, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं परचेज बुक में। ध्यान रखना जी, सिर्फ उधार, ओनली क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड। परचेज क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, यू नो दैट। जब वस्तुओं और सेवाओं को परचेज जाता है, परचेज सिर्फ किन चीजों को हम गुड्स एंड सर्विसेज मानते हैं परचेज के पर्पस से, जिसका बिजनेस व्यापार करता है। इसी तरह से सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कैश परचेज सेल कहां जाएगी भाई, वो जाएगी कैश बुक में, क्योंकि कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन, बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन वो कैश बुक में आएगी। इसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक को, परचेज रिटर्न का मतलब वस्तुओं को वापस करना, जो परचेज की थी उनको कुछ कारणों के कारण वापस करना पड़ता है कई बार बिजनेस को, उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। उसमें सिर्फ जो परचेज रिटर्न की हुई वस्तुएं हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। सेल्स रिटर्न, इसी तरह से जो सेल रिटर्न है, हमने कस्टमर को सेल की, उसको कुछ कारणों से वस्तुएं हमें वापस लेनी पड़ी, उसने दी हमें वस्तुएं वापस, तो उससे रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है वो सेल रिटर्न बुक, या उसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, जब भी पेमेंट्स के रिगार्डिंग पहले हमने क्रेडिट परचेज या सेल की थी तो बाद में पैसे तो देने पड़ेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में जो बिल लिखे जाते हैं उनकी रिसीवेबल और पेएबल की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इन बुक्स में लिखी जाती हैं। और जो इन सभी में नहीं आती, ना कैश बुक में ना दूसरी सब्सिडी बुक्स में, उन सबको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर हो गया? ये थी टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स। आज हम जिन सब्सिडी बुक्स की बात करेंगे वो मेनली हमारा कंसंट्रेशन रहेगा कैश बुक्स के ऊपर। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक पर। यस स्टूडेंट, यू शुड नो दैट कैश बुक इज ओरिजिनल एंट्री प्रिंसिपल बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन चैनलॉजिकली डेट वाइज उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, बट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच रिलेट्स विद कैश और बैंक। जो कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको कैश बुक में लिखते हैं। जो टाइप्स ऑफ कैश बुक है वो हमारे सामने चार हैं। जस्ट सी दिस वन, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और फोर्थ वन है पेटी कैश बुक। आओ इनके बारे में एक एक करके बात करें। सबसे पहले है सिंगल कॉलम कैश बुक, पहले इसके फॉर्मेट को देखें, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो। आप हैरान होंगे कि इसका परफॉर्मा तो लेजर की तरह है, पर लेजर फॉलियो मैंने बताया ना कि सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्टिंग होती है, तो लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर लिखने के लिए ये कॉलम है। फिर अमाउंट या अमाउंट की जगह कैश लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कैश कॉलम बनता है। उसके बाद ये था डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में देखें सेम कॉलम है। एक बात ध्यान रखना, ये बात कंप्लीटली मन में बिठा लो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नॉन एज रिसीट साइड। जब भी पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, तो डेबिट साइड में ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन, चाहे वो चेक के द्वारा मिले या कैश के रूप में मिले, ये ध्यान रखना। सिंगल कॉलम में हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्रेडिट साइड है विद सेम कॉलम्स, वो पेमेंट साइड होती है। जब भी बिजनेस कुछ पे करता है, भुगतान करता है, किसी को पैसे देता है, तो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो क्रेडिट साइड में आती है। क्लियर? इसके अलावा कुछ बुक्स में आप देखोगे लेजर फोलियो के साथ एक कॉलम होता है, जैसे मैंने यहां शो किया वी एन वर्चुअल नंबर, ये दोनों तरफ हो सकता है।
वोचर क्या होता है? वोचर एक्चुअली इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है ना, जो कैश बुक का कैशियर है उसके पास कोई तो साधन हो ना, कोई तो सोर्स हो, फ्रॉम देयर ही कैन रिकॉर्ड, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो हो। तो वोचर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कैशियर के पास। जब भी बिजनेस किसी को कैश की पेमेंट करता है या रिसीव करता है तो एक वोचर है, डॉक्यूमेंट उसको लिखा जाता है कि इतना अमाउंट प्राप्त हुआ, इतना पे किया। अब इसको वोचर का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस वीडियो में देख सकते हो। तो उस वोचर का एक नंबर होता है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है और उस वोचर को संभाल कर रखा जाता है ताकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। मान लो किसी को कैरिज का पे किया तो उसके ड्राइवर से वोचर लिखवा लिया कि उसने इतने पैसे प्राप्त किए ड्यू टू कैरिज, तो वहां पर वोचर नंबर रिकॉर्ड कर लेंगे कैश बुक में। क्लियर? ये थी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें डेबिट साइड में टू के साथ और क्रेडिट साइड में जब भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे बाई के साथ, जैसे हम नॉर्मली लेजर में करते हैं। क्लियर है भाई? ये है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके परफॉर्मेंस को ध्यान से रखो, मन में बिठा लो इसको। नेक्स्ट सेकंड टाइप है सी दिस परफॉर्मा, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में सारा परफॉर्मा बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही डेबिट साइड और सीट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। लेकिन इसमें जो कैश या अमाउंट के कॉलम के साथ एक कॉलम और बन जाता है एक और चीज को दिखाने के लिए। वो क्या होता है? कैश के साथ तो डिस्काउंट का कॉलम होगा, कैश के साथ जा तो बैंक का कॉलम होगा, या बैंक के साथ डिस्काउंट का कॉलम, कोई भी दो कॉलम बने हुए होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ। तभी तो इसका नाम डबल कॉलम कैश बुक बना, क्योंकि दो कॉलम है जहां पर हमने अमाउंट को लिखना होता है ड्यू टू ट्रांजेक्शन। इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन आएंगी जो दो कॉलम से रिलेटेड होंगी। ओके, अब जैसे यहां पर परफॉर्मा आप ध्यान से देखो, वही है सारा, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वोचर नंबर का भी हो सकता है, कैश और बैंक, डिस्काउंट और कैश, डिस्काउंट और बैंक, इनमें से कोई भी दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट साइड पे। ये है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें भी वही प्रोसीजर, जब कुछ रिसीव होगा तो डेबिट साइड पेमेंट होगी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड टू के साथ, क्रेडिट साइड पाई के साथ। नाउ थर्ड वन, थर्ड टाइप ऑफ कैश बुक इज द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो मुझे लगता है नाम से ही क्लियर होगा कि अब तीन कॉलम होंगे भी, ट्रिपल का मतलब तीन। यस, वो जो मैंने तीन नाम लिए थे डबल कॉलम में, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम में तीनों एक साथ आ जाते हैं। बाकी सारे कॉलम ध्यान से देखो सेम है, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ऐसे ही क्रेडिट साइड पर वही डेबिट साइड, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, टू एंड बाय के साथ लिखना। क्लियर हो गया अभी? अब मेरी एक बात और सुनो, जब भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है इसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं भी, या डबल कॉलम में कैसे करते हैं, सिंगल कॉलम में कैसे करते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, ये 24th है, 25th वीडियो में आप डिटेल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश बुक के देखोगे। उसके बाद कैश बुक की जो फोर्थ टाइप है वो है पैटी कैश बुक। वो क्या है पैटी कैश बुक? यस स्टूडेंट, पैटी कैश बुक जिसके बारे में बात करता हूं, समझना बहुत जरूरी है। पैटी मीन्स स्मॉल, थोड़ा, मतलब जो थोड़े थोड़े पैसे का, जो स्मॉल वैल्यू ऑफ अमाउंट हो, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं। लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन बिजनेस में गिनती में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या होता है जब ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, जो अमाउंट की पेमेंट है 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, इतनी इतनी होती है। अब अगर हेड कैशियर सारा दिन ट्रांजेक्शन, इतनी इतनी ट्रांजेक्शन है वहीं लगा रहेगा और 2-2, 4-4 रुपये को रिकॉर्ड करेगा, तो उस पर काम का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके काम के प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए बिजनेस हाउसेज में एक पैटी कैशियर अलग से रखा जाता है। उसको क्या करते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए, वो पीरियड एक हफ्ता या एक महीना हो सकता है, एक फिक्स अमाउंट दे दी जाती है हेड कैशियर के द्वारा, और वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता है हेड कैशियर। अब पैटी कैशियर का काम शुरू, जितने भी बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे हैं वो करता चला जाएगा, करता करता चला जाएगा। मान लो उसको 2000 रुपए मिले थे 15 दिन के लिए, जाएगी महीने के लिए, उसमें से 2000 में से कभी 10 रुपये की पे किए, कभी 2 रुपये, कभी 5 रुपये, वो पेमेंट करता चला गया। अब महीना का, उस पीरियड का एंड आ गया, या उस महीने का एंड आ गया, उसने देखा कि 1900 रुपीज तो उसने खर्च कर दिए, अब उसके पास 100 रुपीज ही बचे हैं 2000 में से, तो वो क्या करेगा, नया महीना शुरू हो गया, नया पीरियड शुरू हुआ, तो उसको 1900 जो उसने खर्च किए थे दोबारा फिर से मिल जाते हैं हेड कैशियर से, उसके बाद फिर से उस पीरियड की शुरुआत में 2000 रुपया बन जाता है। ऐसे जो पैटी कैशियर है काम करता है। एक बात और बताता हूं, इसको हम
पैटी कैशबुक की भाषा में इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैशबुक कहते हैं। जो मैंने बताया ना कि कैश ऐसे मिलता है, फिर उसमें से वो खर्च करता है, जितना खर्च कर लेता है उस खास पीरियड तक, उसके बाद उस पीरियड के बाद जो दूसरा मंथ या दूसरा पीरियड, दूसरा हफ्ता जो शुरू होता है उसके शुरू में उसको उतने पैसे फिर से मिल जाते हैं, ताकि उसके पास सेम बैलेंस मैनेज हो जाए। अगर 2000 मिलता था तो 2000 ही बन जाए। तो इस सिस्टम को पैटी कैशबुक की भाषा में इंप्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैशबुक कहते हैं। इंप्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैशबुक में जो पेटी कैशियर है अपनी चीजों को मैनेज करता चला जाता है। पेटी कैशबुक की टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैशबुक, सिंपल पेटी कैशबुक और सेकंड है एनालिटिकल और कॉर्नर पेटी कैशबुक। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पेटी कैशबुक क्या है, इसके परफॉर्मा को देखें। सबसे पहले देखो इसका कैशबुक की तरह कोई डेबिट क्रेडिट साइड ऐसे नहीं बने होते, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इसको देखें, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, इसमें वो अमाउंट लिख लेगा जो उसको मिला। फिर उसके बाद लेजर फॉलो, क्योंकि यहां से पोस्टिंग होनी है अभी अलग अलग लेजर अकाउंट में, तो उसका पेज नंबर। फिर कैशबुक फॉलो, क्योंकि पेटी कैशियर को अमाउंट कहां से मिलता है, हेड कैशियर से, वो कैशबुक में रिकॉर्ड करता है, तो उसका पेज नंबर यहां पर आएगा। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो के साथ साथ जैसे मैंने बताया वाउचर नंबर का कॉलम भी हो सकता है, इसमें से कोई भी कॉलम डेट से पहले या बाद में हो सकता है, डजंट मैटर। उसके बाद वाउचर नंबर के बाद अमाउंट पेड, इतना तक तो देखो ये है सारी सिंपल पेटी कैशबुक, क्लियर। अब बात करते हैं कॉलमनर या एनालिटिकल पेटी कैशबुक। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको पहले ही क्लासिफाइड कर दिया जाता है। बिजनेस में स्मॉल खर्चे कैसे होते हैं, जैसे बिजनेस में पोस्टेज बहुत चलती है, डाक भेजनी है तो टिकटें लगती हैं, स्टैंप्स लगती हैं उस पे, पोस्टेज। इसके अलावा कैरेज, कार्टेज, कूली हायर, टेलीफोन बिल्स, रिफ्रेशमेंट, इस तरह के बहुत से खर्चे बिजनेस में होते हैं जिसकी अमाउंट कम होती है, पर बिजनेस में एक पैनी का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक पैसे का भी हिसाब किताब गड़बड़ा है तो फ्रॉड माना जाएगा, तो हर पैसे का हिसाब किताब रखना जरूरी है। उनको एनालिटिकल रूप में अलग अलग ढंग से हर खर्चे को दिखाने के लिए जो कैशबुक बनती है वो है एनालिटिकल कैशबुक। अब उसके परफॉर्मेंस को देखें, कॉलमनर और एनालिटिकल पेटी कैशबुक, पहले सारे कॉलम वही हैं जो सिंपल पेटी कैशबुक के थे। कौन कौन से हैं ध्यान से देखो इसको, अमाउंट रिसीव्ड, इसके अलावा इसमें एक कॉलम आता है कैश बुक फॉलियो, जिसको सी बी फॉलियो लिखा होता है, कैश बुक का पेज नंबर। इसके अलावा डेट, एक लेजर फॉलियो एंड वाउचर नंबर का कॉलम भी होता है, वो पर्टिकुलर से पहले भी हो सकते हैं बाद में भी। पर्टिकुलर का कॉलम है, फिर अमाउंट पेड का, पेड का मतलब साफ है, इसमें जो अमाउंट पे किया जाएगा पेटी कैशियर का वो लिखता चला जाएगा। फिर उसके बाद सारे खर्चे अमाउंट पेड में दिखाने के बाद हर टाइप के खर्चे का एक अलग कॉलम भी बनता है। वो जनरली जैसे हम देखते हैं अपने लेवल पे जब स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं तो वो 5-7 कॉलम हो सकते हैं। जैसे पहले कॉलम बना लिया पोस्टेज का, जितना भी डाकघर से रिलेटेड खर्चे हैं सारे पोस्टेज में भी शो किए जाएंगे, अमाउंट पेड में भी। कैरीज का कॉलम बना लिया, इसके अलावा रिफ्रेशमेंट का कॉलम बना लिया, इसके अलावा कुछ और कॉलम, इनपुट जो जीएसटी होते हैं, आउटपुट जीएसटी होते हैं, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी जो तीनों टाइप है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो दिखा सकते हैं, वो भी पे करता है कई बार, इसमें दिखा देते हैं पेटी कैशबुक में। इसके अलावा अगर हमें लगता है कोई एक्सपेंसेस का कोई कॉलम है ही नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं, उसको मिसलेनियस या सन्डरी एक्सपेंसेस कहते हैं, जो किसी में भी नहीं आते वो उसमें डाल देते हैं, ठीक है। लास्ट में रिमार्क्स, अगर किसी एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हमें कुछ कमेंट लिखना है तो हम रिमार्क्स में लिख सकते हैं। आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ फॉर्मेट ही है, ये तो शुरुआत है डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे और बहुत सी वीडियो हैं, अलग अलग पार्ट में है, ये पार्ट वन है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन फॉर्मेट की एप्लीकेशन क्या होती है, उसमें प्रैक्टिकली कैसे फीड करते हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं वो इन सब्सिडी बुक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे डालते हैं, उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। आज की वीडियोज में मुझे लगता है जो बताया वो सारा क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो उस हिस्से में जाएं, दोबारा देखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू इवन क्लियर देयर और इन नेक्स्ट वीडियोज। अगली आने वाली वीडियोस को भी देखते रहें, जो पहले ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं उनको भी देखें, मेक यूज ऑफ दीज वीडियोस और अपना रास्ता आसान बनाएं। थैंक यू वेरी मच।